टाइम में कोई भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। राजस्थान में बीजेपी ने पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं और भजनलाल शर्मा और उनके मंत्री लगातार एक्टिव मोड में हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी उनके बीच हो चुका है और सभी विभाग वितरित कर दिए गए हैं जिन मंत्रियों को कैबिनेट में और मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। मंत्रियों के विभाग मिलने के बाद अब मंत्री 100 दिन की कार्य योजना को पूरा करने में जुट गए हैं। अब भजनलाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेनवसर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरकारी डॉक्टर को सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरकारी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करता पाया गया तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ड्यूटी के टाइम में कोई भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा और इसमें मैं कोई तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सरकार का पैसा लेके और आप उसी कानूनी घंटों के अंदर आप जाके अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें मैं फ्लाइंग स्क्वाड लगाऊंगा, मैं चेकिंग करूंगा और ये बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं गंभीरता से ले रहा हूँ। गजेंद्र सिंह खेनवसर ने यह साफ कर दिया कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोताही बरतने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को देर से आने की आदत सुधार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए वो पाए गए तो सीधा उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सरकार का पैसा लेकर ड्यूटी टाइम में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते और इसकी इजाजत नहीं है। इसे रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड लगाया जाएगा। खुद चेकिंग, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो खुद भी चेकिंग करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको बेहद गंभीरता से वो ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेनवसर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा मजबूत करना हमारा टारगेट है। हम जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधा संसाधन और हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चिरंजीवी योजना बोगस साबित हुई है। 25 लाख रुपए का वादा करके अधिकतम 8,30,000 रुपए ही इलाज कराने वाले मरीजों को दिए गए। आने वाले दिनों में सरकार की आयुष्मान योजना का ज्यादा लाभ प्रदेश की जनता को मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व की गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार राजस्थान पर भारी कर्ज छोड़कर गई है, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना चुनौती है, जल्द ही हमारी सरकार ये काम कर लेगी। वित्त विभाग इस पर काम कर रहा है। RGS के साथ अन्य योजनाओं में रुके हुए भुगतान के बारे में भी जल्द सरकार फैसला कर लेगी।